मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। मैं शानी को क्या समझती थी और वो क्या निकला? अम्मी, मैं इस बात को नहीं मान सकती। ऐसा नहीं हो सकता। शानी स्नैचर नहीं हो सकता। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? हकीकत तो हमारे सामने है ना, तुम खुद गवाह हो। ये लॉकेट मैंने अरीबा के लिए खरीदा था और तुम्हारे सामने ही उस लड़के ने मुझसे छीना था। शाजिया, ये तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ थी, वरना तुम तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करती। तुम ही बताओ, ये वही लॉकेट है ना जो हमने खरीदा था? जी, लॉकेट तो वही है, मगर मगर क्या? अगर मगर कर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम शानी को फोन करो और बुलाओ यहाँ पे। ये लड़का करता क्या फिर रहा है? चोरियां कर रहा है और वो भी अपनों को लूट रहा है। फोन करो उसे। शुक्र है मैंने अभी तक सिर्फ अरीबा की मंगनी की है उसके साथ, निकाह नहीं किया, और उसका असल चेहरा सामने आ गया। अगर शादी के बाद हम लोगों को यह सब कुछ पता चलता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और मेरी बेटी जीते जी मर जाती। अरे मुंह क्या देख रहे हो? फोन करो अपने भाई को और बुलाओ यहां पे। क्या हुआ? वो अम्मी, शानी फोन नहीं उठा रहा। अरे अगर शानी फोन नहीं उठा रहा ना, तो अपनी माँ को फोन करो और उसको बुलाओ यहाँ पे। मैं बात करती हूँ उनसे, बल्कि उनको बोलो कि अपने मियाँ को भी साथ लेकर आए। अपने बेटे की बड़ी गारंटियां ले रहे थे ना वो,